नमस्कार दोस्तों, मैं रत्ने सर आप सभी का स्टडी 91 में स्वागत करता हूं। और कैसे हैं आप सभी, उम्मीद करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे, जहां भी होंगे मस्त होंगे। दोस्तों आज बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आया हूं आपके के लिए। जैसा कि आप जानते हैं दोस्तों, अगर आपको सफलता पानी है तो आपको प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन जरूर लगाने पड़ेंगे। दोस्तों जितना आप प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन लगाएंगे उतना ही आप अपनी सफलता के करीब पहुंचेंगे। दोस्तों प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन लगाने से दो फायदे होते हैं, एक तो आपका टाइम मैनेजमेंट, दूसरा होता है दोस्तों आपके पास अच्छा खासा क्वेश्चन बैंक तैयार हो जाता है और आपको पता चल जाता है कि आखिर किस प्रकार से क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो दोस्तों आइए अपनी श्रृंखला स्टार्ट करते हैं। श्रृंखला स्टार्ट करने से पहले एक बार दोस्तों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा। मेरे सभी बच्चों को राधे राधे, जय श्री कृष्ण। दोस्तों आइए जल्दी से जल्दी सब आ जाइए, जुड़ जाइए। दोस्तों आइए स्टार्ट करते हैं अपनी श्रृंखला। दोस्तों ये आपकी स्टडी 91 पे कुछ बैचेस दिए गए हैं दोस्तों, जिसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। हिंदी का है यूपी टेट, सुपर टेट, यूपी पुलिस कांस्टेबल, पीसीएस और यूसी नेट का फर्स्ट पेपर का, आप इनको ज्वाइन कर सकते हैं दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट आइए चलते हैं दोस्तों। आपका पहला क्वेश्चन जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, क्योंकि ये आपके एग्जाम में कई बार पूछा गया है। क्वेश्चन है आपका दोस्तों कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा। यूपी टेट में दोस्तों कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है और आप सब जानते हैं कि यूपी टेट का नोटिफिकेशन बहुत ही जल्द आने वाला है, बहुत ही जल्द, तो तैयारी कर स्टार्ट कर दीजिएगा। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, 2 दिसंबर, 16 सितंबर, 5 जून, 11 जुलाई, कब मनाया जाता है दोस्तों विश्व पर्यावरण दिवस, जल्दी से बताएं। मेरे सारे बच्चे फास्ट आंसर दें, बहुत ही बढ़िया आंसर आ रहा है, बहुत ही बढ़िया, क्या बात है, क्या बात है, बहुत बढ़िया, बिल्कुल दोस्तों बहुत सही आंसर दिया आपने। विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है 5 जून को दोस्तों, 2 दिसंबर नहीं होगा, 16 सितंबर नहीं, 11, 5 जून को हमारा विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। कब, 5 जून को भाई विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। लिखते चलिएगा दोस्तों, कॉपी कलम लिए रहिएगा, जितना लिखेंगे उतना याद होगा दोस्तों। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं हम। दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एम एस स्वामीनाथन थे, क्या थे एम एस स्वामीनाथन, एक पत्रकार थे, कृषि वैज्ञानिक थे, पारिस्थितिक वैज्ञानिक थे या पक्षी वैज्ञानिक थे, क्या थे, वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, बहुत ही बार एग्जाम में पूछा गया है ये भी क्वेश्चन। और स्वामीनाथन बहुत ही महान आत्मा है, अगर आप इनके बारे में जानते हैं तो जरूर बताएंगे। यूपी टेट में पूछा गया है क्वेश्चन, सी टेट में भी आ सकता है दोस्तों और सुपर टेट में भी, जल्दी से आंसर दें, गलत नहीं होना चाहिए। एम एस स्वामीनाथन के बारे में पूछ रहा है दोस्तों, बहुत बढ़िया आंसर आ रहा है, बहुत बढ़िया आंसर दे रहे मेरे सारे बच्चे, बहुत बढ़िया, बहुत ही अच्छा, बहुत अच्छा, क्या बात है, बहुत बढ़िया। दोस्तों एम एस स्वामीनाथन क्या थे, एम एस स्वामीनाथन न पत्रकार थे, न पारिस्थितिक वैज्ञानिक थे, न पक्षी वैज्ञानिक थे, दोस्तों ये कृषि वैज्ञानिक थे, क्या थे, ये कृषि वैज्ञानिक थे। एम एस स्वामीनाथन ने हरित क्रांति आपने सुनी होगी दोस्तों, क्या, हरित क्रांति सुनी होगी दोस्तों, हरित क्रांति के जनक माने जाते थे, हरित क्रांति के जनक माने जाते थे हमारे कौन, एम एस स्वामीनाथन दोस्तों। हरित क्रांति हमारे गेहूं और चावल से संबंधित था, किसे था, गेहूं और चावल से संबंधित है ना, तो ये हरित क्रांति के जनक हमारे माने जाते थे कौन, हमारे एम एस स्वामीनाथन जी दोस्तों। ठीक है, और इसलिए ये कृषि वैज्ञानिक थे दोस्तों, क्या थे, कृषि के क्षेत्र में इन्होंने क्रांति ला दी दोस्तों, तो ये कृषि वैज्ञानिक माने जाते थे और इन्हें हरित क्रांति का जनक भी कहा जाता था, किसे, एम एस स्वामीनाथन को दोस्तों। ठीक है, बहुत ही अच्छा आंसर आया, सेकेंड यानी बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है दोस्तों, वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया WWI कहाँ स्थित है, वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों, ये भी आपसे पूछा गया था दोस्तों आपके यूपी टेट 2021 में आया था, 2019 में दोस्तों आया था यूपी टेट 2019 में, पूछा गया कि वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया WII कहाँ स्थित है, नई दिल्ली में, कोयम्बटूर में, अहमदाबाद में या देहरादून में, दोस्तों जल्दी से आंसर दें, गलत नहीं होना चाहिए किसी का भी, बहुत बढ़िया आंसर आ रहा है, अगर आपको इसके बारे में जानकारी होगी तो आपका आंसर गलत नहीं होगा। WII कहाँ स्थित है, वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया दोस्तों कहाँ स्थित है, बहुत ही अच्छा, बहुत बढ़िया आंसर आ रहा है दोस्तों आपका, ये वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है, बहुत बढ़िया आंसर आ रहा है, अगर आपने पढ़ा होगा तो आप जानते होंगे, नई दिल्ली नहीं होगा दोस्तों, कोयम्बटूर नहीं होगा,
अहमदाबाद नहीं होगा, देहरादून इज द राइट आंसर। जो आपका ये दोस्तों वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया है, ये कहाँ स्थित है? आपके देहरादून में स्थित है दोस्तों। बहुत ही सही आंसर दिया आपने, बिल्कुल सही। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है। मीना माता रोग दोस्तों, मीना माता रोग ऐसी मछली के खाने से होता है जिससे कि अधिक मात्रा में क्या पाया जाता है? मीना माता रोग आपने सुना होगा दोस्तों, तो वो एक मछली के खाने से होता है, वह कौन सी मछली है, उसमें क्या पाया जाता है अधिक? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों। यूपी टेट में आपके पूछा गया क्वेश्चन है, टेट और सुपर टेट, सी टेट और सुपर टेट में भी आ सकता है दोस्तों ये क्वेश्चन। जल्दी से आंसर दे सारे बच्चे, बहुत ही जल्दी से आंसर दे। आर्सेनिक होगा, पारा होगा, कैडमियम होगा या उपयुक्त सभी होगा दोस्तों? मीना माता रोग बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, जल्दी से आंसर दें सारे बच्चे, क्या होगा? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया आंसर आ रहा है दोस्तों। क्वेश्चन है आपका कि मीना माता रोग ऐसी मछली के खाने से होता है जिससे अधिक मात्रा में पाया जाता है। दोस्तों मीना माता रोग आर्सेनिक नहीं होगा, कैडमियम नहीं होगा, उपयुक्त सभी नहीं होगा। पारा दोस्तों, उसमें क्या होता है, उसमें उस मछली में सबसे अधिक पाया जाता है पारा, जिस कारण आपको मीना माता रोग होता है। इसलिए दोस्तों उस मछली को आदमी को नहीं खाना चाहिए, और उसमें सबसे अधिक क्या पाया जाता है, पारा पाया जाता है, इस कारण से आपका मीना माता रोग होता है दोस्तों। ठीक है, ये है कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां। नेक्स्ट है दोस्तों, ये आपकी दी गई है दोस्तों कुछ पुस्तकें जो कि आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जैसे अपनी हिंदी वीडियो, पेट कॉम्बो, पेट बुक, आरओआरओ की बुक अगर आप तैयारी कर रहे हैं, लेखपाल की बुक दोस्तों। ये सारी पुस्तकें दोस्तों फ्री डिलीवरी है, आप कहीं भी इन्हें मंगा सकते हैं, कोई भी कास्ट आपको देने की आवश्यकता नहीं है, ये क्या है, फ्री डिलीवरी है दोस्तों। ठीक है, और आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगर आपको इन पुस्तकों को मंगाने में कोई दिक्कत या परेशानी, तो आप इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं दोस्तों, इसका आप सभी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आइए दोस्तों नेक्स्ट चलते हैं। ओजोन परत का अधिकतम ह्रास निम्न में से किस पर हुआ है? ओजोन परत का अधिकतम ह्रास किस पर हुआ है दोस्तों? उत्तरी ध्रुव पे हुआ है, दक्षिणी ध्रुव पे, भूमध्य रेखा पर, या उपयुक्त में से कोई नहीं? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा। आपके यूपी टेट में पूछा गया क्वेश्चन है दोस्तों, यूपी टेट में 2013 में पूछा गया क्वेश्चन है, कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया, वेरी इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा। ओजोन परत का अधिकतम ह्रास निम्न में से किस पर हुआ है दोस्तों? जल्दी से आंसर दें, गलत नहीं होना चाहिए दोस्तों, किस पर हुआ है? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया आंसर आ रहा है, क्या बात है दोस्तों। ओजोन परत का अधिकतम ह्रास निम्न में से किस पर हुआ है? बहुत बढ़िया आंसर आ रहा है, बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही आंसर आ रहा है दोस्तों। ओजोन परत का अधिकतम ह्रास न उत्तरी ध्रुव पे हुआ है, न भूमध्य रेखा पर, न कोई नहीं दोस्तों, दक्षिणी ध्रुव पे दोस्तों। किस पे? दक्षिणी ध्रुव पे ओजोन परत का अधिकतम ह्रास हुआ है दोस्तों। दोस्तों ओजोन परत को सबसे ज्यादा आपको को गैस जो होती है हमारी, जो निकलती है, जो क्लोरोफ्लोरो मोनोऑक्साइड दोस्तों गैस जो निकलती है, वो सबसे ज्यादा हमारे जो फ्रीज से निकलती है, तो सीएफसी दोस्तों से, क्लोरोफ्लोरो सीएफसी, तो वो दोस्तों गैस बहुत ही हानिकारक होती है हमारे ओजोन परत के लिए, वो उसे धीरे धीरे छिड़क कर देती है। जो सूर्य की पराबैंगनी किरणें हैं दोस्तों जब निकलती है, तो वो ओजोन परत उससे हमारी रक्षा करती है, तो जब वो क्षरण हो जाएगा तो वो हमारी रक्षा नहीं कर पाएगी दोस्तों। इसलिए बहुत ही आपको जितना हो सके एसी, रेफ्रिजरेटर, इन सब का बहुत ही कम यूज़ करना चाहिए, जितना हो सके पर्याप्त मात्रा में नहीं यूज करें। तो ये है दोस्तों दक्षिणी ध्रुव पे, तो बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, वर्षा जल संग्रहण क्या है? वर्षा जल संग्रहण क्या है? प्रयुक्त जल का संग्रह और भंडारण, वर्षा जल का जमाव और भंडारण, पानी का वितरण, उपयुक्त में से कोई नहीं, क्या होगा दोस्तों? तो दोस्तों बताइए क्या होगा, पानी का वितरण, उपयुक्त में से कोई नहीं, क्या होगा दोस्तों? वर्षा जल संग्रहण क्या है, वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों, यूपी टेट में आपके पूछा गया क्वेश्चन है, जल्दी से बताएं क्या होगा। प्रयुक्त जल का संग्रहण और भंडारण, वर्षा जल का जमाव और भंडारण, पानी का वितरण, या उपयुक्त में से कोई नहीं। वर्षा जल संग्रहण आखिर क्या होता है,
क्या होगा दोस्तों, जल्दी से आंसर बताएं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, वर्षा जल संग्रहण, बहुत बढ़िया आंसर आ रहा है दोस्तों। वर्षा जल संग्रहण क्या है? पृथ्वी जल का संग्रहण भंडारण नहीं होगा, पानी का वितरण कोई नहीं, वर्षा जल का जमाव और भंडारण। दोस्तों वर्षा जल संग्रहण का अर्थ होता है कि जो वर्षा होती है दोस्तों, तो उसके पानी को किसी भी तरह संग्रहित करना, इकट्ठा करना, तो वो होता है वर्षा जल का संग्रहण भंडार। जैसे दोस्तों तालाब खुदवा के और डैम बनवा के, इनसे किसी भी तरह से वर्षा का पानी एकत्रित करना, जो कि समय आने पे दोस्तों हम उसका उपयोग कर सकें, तो ये वर्षा का जल, वर्षा जल संग्रहण यही कहलाता है। तो वर्षा जल का जमाव और भंडारण, बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है दोस्तों, भारतीय गेंडा कहाँ संरक्षित है? भारतीय गेंडा कहाँ पे संरक्षित है दोस्तों? वेरी इंपॉर्टेंट यूट्यूब पे दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट यूपी टेट में आया हुआ क्वेश्चन है। कहाँ पे है? कॉर्बेट नेशनल पार्क, कांजीरंगा नेशनल पार्क, बांदीपुर नेशनल पार्क या गिरी नेशनल पार्क, कहाँ पे होगा? भारतीय गेंडा कहाँ संरक्षित है? बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, हमेशा एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाता है। जल्दी से दोस्तों दे, बहुत बढ़िया आंसर आ रहा है, बहुत बढ़िया, क्या बात है, बहुत बढ़िया। भारतीय गेंडा कहाँ संरक्षित है? जल्दी से आंसर दें, गलत नहीं होना चाहिए दोस्तों किसी का भी। भारतीय गेंडा कहाँ संरक्षित है? बहुत बढ़िया आंसर आ रहा है दोस्तों, वेरी गुड, बहुत बढ़िया आंसर आपने दिया। भारतीय गेंडा दोस्तों कांजीरंगा नेशनल पार्क में संरक्षित है। कहाँ पे? कांजीरंगा नेशनल पार्क। और कांजीरंगा नेशनल पार्क में कौन सा गेंडा पाया जाता है? एक सींग वाला गेंडा पाया जाता है दोस्तों। कौन सा? एक सींग वाला गेंडा पाया जाता है। कौन सा? एक सींग वाला गेंडा, एक सींग वाला गेंडा। और कांजीरंगा कहाँ पे है दोस्तों? कांजीरंगा जरा कमेंट करिए, कांजीरंगा नेशनल पार्क कहाँ पे है, सभी को पता है? वेरी गुड, बहुत बढ़िया, हाँ दोस्तों बिल्कुल सही आंसर आ रहा है। कांजीरंगा आपका कहाँ पे है? असम में है दोस्तों। कहाँ पे? असम में है ये। कहाँ पे है कांजीरंगा नेशनल पार्क आपका? असम में पाया जाता है। वहाँ पे एक सींग वाले गेंडे पाए जाते हैं, जो कि जो उनकी सींग होती है दोस्तों, इसीलिए उनका शिकार किया जाता था, तो इसलिए उनके संरक्षण का कार्य किया गया, क्योंकि जो गेंडे की सींग होती है दोस्तों बहुत कास्टली जाती है, तो ये चीज़ था दोस्तों, ठीक है। तो ये है, नेक्स्ट है दोस्तों, रेड डाटा बुक किससे संबंधित है? अगर आपने रेड डाटा बुक पढ़ा होगा तभी आप इसका आंसर दे पाएंगे, नहीं तो नहीं दे पाएंगे। नदियों में प्रदूषण से, घटता भूगर्भ जल स्तर, विलुप्त के कारण जीव से, या वायु प्रदूषण से? रेड डाटा बुक किससे संबंधित है? वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों, गलत नहीं होना चाहिए। आपके यूपी टेट में ये क्वेश्चन पूछा गया है। रेड डाटा बुक से हमेशा यूपी टेट में एक या दो क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है दोस्तों। ये सीटेट में भी आ सकता है आपके, और सुपर टेट में भी आ सकता है। जल्दी से आंसर दें दोस्तों, गलत नहीं होना चाहिए। क्या होगा? रेड डाटा बुक, बहुत बढ़िया। रेड डाटा बुक किससे संबंधित है दोस्तों? जल्दी से आंसर दें। रेड डाटा बुक किससे संबंधित है? वेरी गुड, बहुत बढ़िया आंसर आ रहा है दोस्तों। रेड डाटा बुक आपका न नदियों में प्रदूषण से, न घटता भूगर्भ जल स्तर से, न विलुप्त के करीब जीव दोस्तों, दोस्तों जो जीव जंतु विलुप्त हो रहे हैं, जो जीव जंतु आप जैसे जानते होंगे दोस्तों, हमारे बीच से बाज, गोरैया, बाघ, शेर, ये सब दोस्तों विलुप्त हो गए, जैसे कि हम जानते हैं कि डायनासोर हमारे बीच से विलुप्त हो गए, तो ये सब प्राणी जो जीव जंतु दोस्तों इस समय विलुप्त हो रहे हैं, उनका आंकड़ा ये रेड डाटा बुक में ही लिखा जाता है कि हाँ कौन सा जीव विलुप्त हो रहा है, कौन सा जीव क्या कहते हैं इस पे संकट आ गया है, तो वो चीज़ें दोस्तों किसका अस्तित्व पृथ्वी से धीरे धीरे खत्म हो जाएगा, तो वो सारे आंकड़े दोस्तों किस पे होते हैं? आपके रेड डाटा बुक में होता है दोस्तों, इसलिए सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है ये आपका दोस्तों, वीडियो ग्राम विकास अधिकारी का नया बैच प्रारंभ हो गया है, महाबजट ऑफर मात्र 1299 रुपए में। जो बच्चे जो वीडियो की तैयारी कर रहे हैं वो इस बैच को ले सकते हैं, और आप सभी इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं दोस्तों। आइए नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट दोस्तों, कौन सी ग्रीन हाउस गैस वातावरण में सबसे अधिक मात्रा में उपस्थित रहती है? कौन सी ग्रीन हाउस? वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ग्रीन हाउस बहुत इंपॉर्टेंट है, ग्रीन हाउस पढ़ के जाइएगा, क्योंकि ग्रीन हाउस से आपके एग्जाम में कई बार, और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं
ग्रीन हाउस वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पढ़ के जाइएगा। कौन सी ग्रीन हाउस गैस वातावरण में सबसे अधिक मात्रा में उपस्थित रहती है? प्रोपेन होती है, एथेन, कार्बन डाइऑक्साइड या मीथेन। दोस्तों जल्दी से आंसर दीजिए, दोस्तों कौन सी ग्रीन हाउस होती है, जल्दी से दे आंसर। कौन सी ग्रीन हाउस गैस वातावरण में सबसे अधिक मात्रा में उपस्थित होती है, कौन सी होगी, जल्दी से आंसर दें दोस्तों। बहुत ही बढ़िया आंसर आ रहा है, बहुत बढ़िया, बिल्कुल दोस्तों। ग्रीन हाउस गैस में सबसे अधिक अगर बात की जाए, ना प्रोपेन होता है, ना एथेन होता है, ना मीथेन। कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा दोस्तों सबसे अधिक होती है। कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा क्या होती है, आपके ग्रीन हाउस गैस में सबसे अधिक होती है और गैसों की अपेक्षा दोस्तों, ठीक है, ये चीज है दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट है, किस वर्णक की उपस्थिति के कारण पौधे हरे होते हैं? वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों, यानी पौधों के पत्ते क्या होते हैं, हरे होते हैं, किस वर्णक के कारण? कैरोटीनॉइड दोस्तों, लाइकोपीन, एंथिसोनिन या क्लोरोफिल के कारण। वेरी इंपॉर्टेंट, और यूपी टेट में आपके ये आया हुआ क्वेश्चन है दोस्तों, कई बार पूछा गया है, सी टेट में भी पूछा गया है ये क्वेश्चन, और दोस्तों सुपर टेट में भी आने की संभावना है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कर लीजिएगा इसको, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, जल्दी से आंसर दें। किस वर्णक की उपस्थिति के कारण पौधे हरे होते हैं? कैरोटीनॉइड दोस्तों, लाइकोपीन, एंथोसाइनिन या क्लोरोफिल दोस्तों, जल्दी से आंसर दें। बहुत बढ़िया आंसर आ रहा है, बहुत बढ़िया दोस्तों, वेरी गुड दोस्तों। पूछ रहा है क्वेश्चन कि किस वर्णक की उपस्थिति के कारण पौधे हरे होते हैं, हरे होते हैं दोस्तों, हरे भरे होते हैं, तो कैरोटीनॉइड नहीं होगा, लाइकोपीन नहीं होगा, क्लोरोफिल दोस्तों, तुरंत लिखिए, क्लोरोफिल के कारण दोस्तों पौधे हरे होते हैं, जो उनके पत्ते होते हैं, क्लोरोफिल के कारण ही वो हरे होते हैं दोस्तों, हमें दिखते हैं हरे भरे, तो ये क्लोरोफिल होगा, लिखिए दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है, तो क्लोरोफिल इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है दोस्तों, पीने के लिए सुरक्षित पानी को क्या कहते हैं, क्या कहते हैं दोस्तों? पीने योग्य पानी, अशुद्ध जल, ताजा जल, नल का पानी। दोस्तों एग्जामिनर कभी कभी हमारे दिमाग से खेलता है, तो बहुत ही सरल क्वेश्चन दे देता है, ये यूपी टेट में आपके 2014 में पूछा गया क्वेश्चन है, यूपी टेट 2014 में पूछा गया क्वेश्चन है दोस्तों, जल्दी से आंसर बताएं। तो ये बहुत ही सरल क्वेश्चन है, मुझे लगता है सारे बच्चे इसका आंसर दे देंगे कि भाई पीने के लिए सुरक्षित पानी को क्या कहते हैं, तो उसे होगा पीने योग्य पानी, क्या होगा, पीने योग्य पानी, तो ए इज द राइट आंसर। कभी कभी ये हो जाता है, पूछ लेता है दोस्तों, कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है, कुछ बच्चे कंफ्यूज होंगे, तो कंफ्यूज मत होइएगा, ये कंफ्यूजन के लिए ही आपको ऐसे सरल क्वेश्चन दिए होते हैं, जो कि सारा आसान आंसर होता है, पर लगता है यार क्या होगा क्वेश्चन, कहीं ये तो आंसर नहीं होगा, कहीं ये तो आंसर नहीं होगा, तो वो होता है कंफ्यूजन करने के लिए एग्जामिनर आपसे सरल क्वेश्चन पूछ लेता है। वर्ष 1984 को भोपाल गैस त्रासदी निम्न में से किस गैस के रिसाव के कारण हुई थी? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वो है, बड़ा दुख भरा दिन था हमारे लिए 1984। मिथाइल आइसोसाइनाइड, नाइट्रस ऑक्साइड, मीथेन, कार्बन मोनोऑक्साइड दोस्तों, क्या था, कौन सी गैस के कारण भोपाल गैस त्रासदी, किस गैस के रिसाव के कारण हुई थी दोस्तों, जल्दी से बताएं, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये यूपी टेट में कई बार पूछा गया क्वेश्चन है दोस्तों, इसको वेरी इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा, ये यूपी टेट में कई बार पूछा गया, 2014 में पूछा गया, 2015 में, 2013 में, कई बार ये पूछा गया है क्वेश्चन दोस्तों, रिपीट, आप तो जानते हैं यूपी टेट, सी टेट और सुपर टेट में क्वेश्चन रिपीट होते हैं, तो ये क्वेश्चन कई बार रिपीट हुआ, घुमा फिरा के पूछा गया, और सी टेट में भी आने की संभावना है और सुपर टेट में भी, जल्दी से बताएं। 1984 की भोपाल गैस त्रासदी निम्न में से किस गैस के रिसाव के कारण हुई थी दोस्तों? दोस्तों बिल्कुल सही आंसर आ रहा है, कार्बन मोनोऑक्साइड नहीं होगा, मीथेन नहीं होगा, नाइट्रस, मिथाइल आइसोसाइनाइड, MIC दोस्तों आप कर सकते हैं, मिथाइल आइसोसाइनाइड भोपाल में ये हुआ था दोस्तों, MIC कर सकते हैं आप, मिथाइल आइसोसाइनाइड दोस्तों, ये MIC जो गैस थी, इसके रिसाव से करतीबन वहां पे माना जाता है, आंकड़ा कहीं कहीं दिया जाता है 5,000, कहीं कहीं 10,000 और कहीं कहीं पे 15,000 दोस्तों, आप जानते हैं दोस्तों कि लोग सही नहीं बताते, लगभग 15,000 लोगों की मृत्यु हुई थी उस दिन दोस्तों, सोचिए कितना काला दिन होगा वो, कि उस रात को मृत्यु हुई, कोई काम करने जा रहा है और वापस नहीं लौटा दोस्तों, तो ये चीज है,
ये दोस्तों बहुत ही वर्ष 1984 में ये भोपाल गैस कांड हुआ था किस, तो इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है, न कि यूपी टेट सुपर टेट, बल्कि अगर आप एसएससी जीडी यूपी पुलिस यूपीएसआई में भी की भी तैयारी कर रहे हैं तो उसमें भी क्वेश्चन ये आ जाता है दोस्तों। तो मिथाइल आइसोसाइनाइड कभी कभी डेट पूछ लेता है, ईयर पूछ लेता है, यानी कि वर्ष 1984 में कहाँ पे हुआ था, भोपाल में हुआ था, कौन सी गैस की लिखाव से, मिथाइल आइसोसाइनाइड दोस्तों, ए इज द राइट आंसर दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों। यूपी पुलिस कांस्टेबल का आपका नया बैच प्रारंभ हो गया है, कंप्लीट कोर्स महाबचत ऑफर मात्र 1499 रुपये में, जो बच्चे इसकी तैयारी कर रहे हैं वो ज्वाइन कर सकते हैं दोस्तों यूपी पुलिस को। नेक्स्ट है, मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि क्या है, वेरी इंपॉर्टेंट, अगर आप साइंस के स्टूडेंट हैं तो तुरंत बता लेंगे, अगर आर्ट के स्टूडेंट हैं तो थोड़ी समस्या जरूर होगी दोस्तों। कौन सी बड़ी ग्रंथि है, अधिवृक्क ग्रंथि होगी, पीयूष ग्रंथि होगी, अग्नाशय ग्रंथि या यकृत ग्रंथि, वेरी इंपॉर्टेंट, यूपी टेट में ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों, यूपी टेट में कई बार पूछा गया है, सुपर टेट में भी आ सकता है और सी टेट में भी। जल्दी से आंसर दें, मनुष्य शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है, कौन सी ग्रंथि है दोस्तों, जल्दी से बताएं। बहुत ही बढ़िया, बहुत बढ़िया आंसर आ रहा है, अधिवृक्क ग्रंथि नहीं होगी दोस्तों, पीयूष ग्रंथि नहीं होगी, अग्नाशय ग्रंथि, यकृत ग्रंथि दोस्तों, बिल्कुल सही, जो यकृत ग्रंथि होती है दोस्तों ये मनुष्य की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है और ये सारा कार्यभार इसी के ऊपर, हमारे शरीर का ज़्यादातर कार्यभार हमारे यकृत ग्रंथि पर ही होता है दोस्तों। तो ये 4 इज द राइट आंसर, बिल्कुल सही आंसर दिया आपने। नेक्स्ट है दोस्तों, उत्तर प्रदेश का राज्य पक्षी कौन सा है, वेरी इंपॉर्टेंट, हमारे यूपी का पूछ रहा है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, राज्य पक्षी पूछ रहा है दोस्तों कौन सा होगा, गौरैया होगी, मोर होगा, सारस क्रैन होगा या तोता होगा, यूपी का आपने पूछ रहा है दोस्तों, जल्दी से बताएं, वेरी इंपॉर्टेंट, यूपी टेट में आपके उत्तर प्रदेश से संबंधित कई चीज़ें पूछी जाती हैं दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए यूपी स्पेशल जरूर पढ़ के जाइएगा अगर आप यूपी का कोई भी एग्जाम देने जा रहे हैं दोस्तों। ठीक है, क्या होगा, अगर आपने पढ़ा है इसको तो आप जरूर आंसर देंगे कि उत्तर प्रदेश का राज्य पक्षी है क्या है। बहुत बढ़िया आंसर आ रहा है, देखते हैं किसका सही होता है। बिल्कुल सही दोस्तों, उत्तर प्रदेश का राज्य पक्षी न गौरैया है, न मोर है, न तोता है, सारस क्रेन है। क्या है, सारस क्रेन है। अगर आपसे पूछा जाए कि उत्तर प्रदेश का राष्ट्रीय पशु कौन है तो जरा आप बताइए, अगर मैं पूछूं यूपी का राष्ट्रीय पशु की बात की जाए दोस्तों, अगर पशु आपसे पूछ ले तो बताएं क्या है राष्ट्रीय पशु, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं राष्ट्रीय पशु क्या है, जल्दी से बताएं दोस्तों। बिल्कुल दोस्तों, बारहसिंगा कौन है, बारहसिंगा हमारा यूपी का राष्ट्रीय पशु है दोस्तों, बारहसिंगा क्या है, राष्ट्रीय पशु है। अगर पुष्प की बात की जाए तो पुष्प है पलास दोस्तों, क्या है पुष्प, पुष्प हमारा क्या है, पलास है दोस्तों, पुष्प क्या है, पलास है। और भाषा की बात की जाए तो हिंदी और उर्दू दोस्तों, भाषा की बात की जाए तो क्या है, हिंदी है और क्या है, उर्दू है दोस्तों, और क्या है, उर्दू है। ठीक है, ये चीज़ है दोस्तों, याद रखिएगा, राष्ट्रीय पक्षी की बात की जाए यूपी, यानी कि यूपी की राष्ट्रीय पक्षी की बात की जाए सारस क्रेन, पशु की बात की जाए तो बारहसिंगा, पुष्प की बात की जाए तो पलास, भाषा की बात की जाए हिंदी और उर्दू दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों। सन 1853 ईस्वी में भारत की पहली यात्रा ट्रेन चली थी, कहाँ से कहाँ तक चली थी, वेरी इंपॉर्टेंट, कई बार एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों, यूपी टेट में आपके पूछा गया है कई बार ये क्वेश्चन, जल्दी से आंसर दें। कलकत्ता से अलीपुर के बीच, बंबई से थाड़े के बीच, बंबई से पुणे के बीच, कलकत्ता से दमदम, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, जल्दी से फास्ट आंसर दें, और मुझे उम्मीद है कि मेरे सारे बच्चे आंसर देंगे, इसका गलत नहीं होना चाहिए किसी भी बच्चों का। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया आंसर आ रहा है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। सन 1853 में भारत की पहली यात्रा ट्रेन कब, किसने चलाई थी दोस्तों, ये सॉरी कहां से कहां तक चली थी दोस्तों, बहुत बढ़िया, बिल्कुल दोस्तों, बंबई से थाड़े के बीच, कलकत्ता से अलीपुर नहीं होगा, बंबई से पुणे के बीच, लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में बंबई से थाड़े के बीच में दोस्तों हमारी प्रथम ट्रेन चली थी। सन कब, 1853 ईस्वी में भारत की पहली यात्रा ट्रेन चली थी बंबई से थाड़े के बीच दोस्तों। ठीक है, ए बी इज द राइट आंसर, बहुत बढ़िया आंसर दिया आपने, बिल्कुल सही आंसर। नेक्स्ट है दोस्तों, दही निर्माण हेतु कौन से सूक्ष्म जीव उत्तरदायी होता है, वेरी इंपॉर्टेंट, दही निर्माण हेतु
कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, एस्पिजल्स होगा, स्ट्रोपेक्सस होगा, रेट्रोवायरस होगा या लैक्टो बैसिलस होगा, दोस्तों क्या होगा? वेरी इंपॉर्टेंट, यूपी टेट में आपके पूछा गया क्वेश्चन है, सुपर टेट में भी आ सकता है और सी टेट में भी आ सकता है दोस्तों। जल्दी से, गलत नहीं होना चाहिए किसी भी बच्चे का ये क्वेश्चन, मेरे गलत नहीं होना चाहिए। अगर आप साइंस के स्टूडेंट हो चाहे आर्ट के स्टूडेंट, इसकी जानकारी तो आपको होगी ही, मुझे उम्मीद है दोस्तों। तो जल्दी से आंसर बताएं, गलत नहीं होना चाहिए किसी बच्चे का। क्या होगा? दही निर्माण हेतु कौन से सूक्ष्म जीव उत्तरदायी होता है दोस्तों? जल्दी से आंसर दें। बहुत बढ़िया, क्या बात है, बहुत बढ़िया आंसर आ रहा है, बिल्कुल सही। बहुत दोस्तों, दही निर्माण के लिए जो सूक्ष्म जीव होते हैं, सोचिए कि आप, सोचिए कि आप जानते हैं कि जो हमारा दूध से जब दही बनता है उसमें सूक्ष्म जीवों का योगदान होता है, तो वो सूक्ष्म जीव कौन है, उनका नाम क्या है? एस्पिजल्स नहीं होगा, स्ट्रेप्टोकोकस नहीं होगा, रेटोवायरस नहीं, लैक्टोबैसिलस होता है दोस्तों। क्या है? लैक्टोबैसिलस, बी इज द राइट आंसर। तुरंत लिखिए कमेंट बॉक्स में कमेंट, जैसे जितना आप लिखेंगे ना उतना आपको याद होगा, क्योंकि करत करत अभ्यास ते जड़िमत हो सुजान, रसरी आवत जाते शिल्पे पड़त निशान। तो इसीलिए जितना लिखेंगे उतना ही अच्छा होगा, चीजें आपको याद होंगी दोस्तों। तो यानी लैक्टोबैसिलस जो सूक्ष्म जीव होते हैं उसके कारण हमारा दूध से क्या बनता है? दही बनता है दोस्तों। बहुत ही बढ़िया आंसर दिया आपने। नेक्स्ट है दोस्तों, ये यूजीसी नेट पेपर का कंप्लीट कोर्स, नया बैच प्रारंभ हो गया है, मात्र 999 रुपए में आप सभी ज्वाइन कर सकते हैं इसको। बहुत बढ़िया आंसर आ रहा है। नेक्स्ट है दोस्तों, मानव रुधिर वर्ग की खोज सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक ने की थी? मानव रुधिर यानी मानव रक्त की दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट, यूपी टेट में आपके कई बार पूछा गया ये क्वेश्चन है, सुपर टेट में भी आ सकता है और सी टेट में भी पूछा जा सकता है कि भाई मानव रुधिर वर्ग की खोज सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक ने की थी? लैंड स्टीनर ने, जेनिक्स ने, पेंटिनियोमॉस ने या कॉल मॉक्स ने? दोस्तों किसने की थी, जल्दी से बताइए दोस्तों, किसने की थी? बहुत ही बढ़िया आंसर आ रहा है, बहुत बढ़िया, जल्दी से आंसर दे दोस्तों कि मानव रुधिर वर्ग की खोज सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक ने की थी? किस वैज्ञानिक ने की थी दोस्तों? बहुत ही बढ़िया, क्या बात है, क्या बात है, बहुत बढ़िया दोस्तों। मानव रक्त की खोज सर्वप्रथम जिस मनोवैज्ञानिक ने की थी, न वो जेनिक्स थे, न पेंटिन, न वास थे, लैंड स्टीनर थे दोस्तों। कौन थे? लैंड स्टीनर। लैंड स्टीनर ने सर्वप्रथम मानव रक्त की खोज की थी दोस्तों। लैंड स्टीनर के महान आत्मा थे, इनके बारे में जानना बहुत ही आवश्यक है, ये क्वेश्चन भी बहुत आवश्यक है दोस्तों। नेक्स्ट है आपसे, राज्यसभा में होने वाली सभाओं की अध्यक्षता कौन करता है? राज्यसभा में होने वाली सभाओं की अध्यक्षता कौन करता है? वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों, यूपी टेट में आपके पॉलिटिक्स से भी एक या दो क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं दोस्तों। तो बताइए, उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन करता है आपके राज्यसभा की सभाओं की अध्यक्षता? जल्दी से बताएं दोस्तों, गलत नहीं होना चाहिए, मेरे किसी भी बच्चे का गलत नहीं होना चाहिए। पॉलिटिक्स आप जानते ही होंगे दोस्तों, यूपी टेट में, यूपी टेट 2017 में पूछा गया क्वेश्चन है दोस्तों, गलत नहीं होना चाहिए, सी टेट में भी आ सकता है और सुपर टेट में भी। जल्दी से दोस्तों, जल्दी से बताएं, राज्यसभा में होने वाली सभाओं की अध्यक्षता कौन करता है? दोस्तों अगर बात की जाए कि राज्यसभा में होने वाली सभाओं की अध्यक्षता की, तो हमारे कौन करता है? न भारत का मुख्य न्यायाधीश करता है, न प्रधानमंत्री करता है, न राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति करता है दोस्तों। कौन करता है? हमारा उपराष्ट्रपति राज्यसभा की उसकी सभाओं की अध्यक्षता करता है। और दोस्तों हमारा उपराष्ट्रपति अगर अपना त्यागपत्र देना चाहे तो किसे देता है? वो राष्ट्रपति को देता है दोस्तों, ठीक है। तो ये आपका उपराष्ट्रपति, ए इज द राइट आंसर, ठीक है, बहुत बढ़िया आंसर दिया आपने। निम्न में से किस मिट्टी का विस्तार भारत के सर्वाधिक क्षेत्र पर है दोस्तों? काली मिट्टी है, जलोढ़ मिट्टी है, लाल मिट्टी या बलुई मिट्टी? कृषि से संबंधित जानकारी अगर आपको होगी तो जरूर आंसर बताएंगे दोस्तों, कृषि, एग्रीकल्चर। इनमें से किस मिट्टी का विस्तार भारत के सर्वाधिक क्षेत्रों पे है दोस्तों? जल्दी से बताएं कौन सी होगी, काली मिट्टी, जलोढ़, लाल मिट्टी या बलुई मिट्टी? जल्दी से आंसर दे दोस्तों, बहुत बढ़िया आंसर आ रहा है, क्या बात है, क्या बात है।
बहुत बढ़िया, बिल्कुल दोस्तों। सबसे अधिक विस्तार पूछ रहा है कि हमारे भारत के सर्वाधिक क्षेत्र पर सबसे अधिक विस्तार किस मिट्टी का है, तो आंसर जान लीजिए दोस्तों, काली मिट्टी नहीं होगी, लाल मिट्टी नहीं होगी, बलुई मिट्टी, यानी कि जलोढ़ मिट्टी। दोस्तों जो जलोढ़ मिट्टी है सबसे ज्यादा पंजाब क्षेत्र में पाई जाती है, पंजाब में ज्यादातर इसका विस्तार है, पंजाब में वहां पर जलोढ़ मिट्टी दोस्तों अधिक पाई जाती है, इसलिए पंजाब में कृषि भी दोस्तों बहुत ही अच्छे तरीके से होती है, अच्छी उपजाऊ भी होते हैं, अनाज भी अत्यधिक उपजाऊ पंजाब में ज्यादा होते हैं दोस्तों, ठीक है। तो ये पंजाब में जलोढ़ मिट्टी की मात्रा अधिक पाई जाती है। सबसे बड़ा राष्ट्रीय राजमार्ग आप जानते हैं दोस्तों, सबसे बड़ा राष्ट्रीय राजमार्ग NH1 है, NH4 है, NH5 है कि NH7 है, वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट है, ये वेरी इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा क्वेश्चन, क्योंकि आपसे हमेशा पूछा जाता है क्वेश्चन कौन बड़ा कौन छोटा। जल्दी से आंसर दे, सॉरी जल्दी से आंसर दे दोस्तों कि सबसे बड़ा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है हमारा, NH1 होगा, NH4 होगा, NH5 होगा या NH7 होगा। बहुत बढ़िया आंसर आ रहे हैं दोस्तों, सबसे बड़ा राजमार्ग की बात की जाए तो हमारा NH7 होता है दोस्तों, सबसे बड़ा राजमार्ग कौन है हमारा, NH7 है। बहुत ही अच्छा आंसर आपने दिया सभी बच्चों ने, क्या बात है दोस्तों, ठीक है। तो ये दोस्तों आपके नितिन सर के द्वारा लिखी गई हैंड राइटिंग पुस्तकें, प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास, आधुनिक इतिहास, सामान्य हिंदी, भारतीय राजस्थान, सारी पुस्तकें बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं आपके एग्जाम के लिए, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों आज की क्लास आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा, कोई दिक्कत परेशानी, और दोस्तों एक बार वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर जरूर करिएगा। आज के लिए इतना ही, कल फिर बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ मिलेंगे, तब तक मेरे सभी बच्चों को राधे राधे, जय श्री कृष्ण, जय श्री राम दोस्तों, और जय हिंद दोस्तों।